ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, कोल जनजाति जो बता रहे हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और 2000 याद रखिएगा 3 में इसको 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिला है। तो जब कभी भी आपको सवाल पूछा जाता है कोल जनजाति से, आपको सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि इसको जनजाति के रूप में मान्यता कब मिला, तो याद रखिएगा 2003 में मिला और ये झारखंड की 32वीं जनजाति है, ठीक है। तो बोला जाता है कि धर्म ग्रंथों में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो ठीक है। तो धर्म ग्रंथों में किस में मिलता है उल्लेख, तो याद रखिएगा किस में मिलता है, वेद में मिलता है, ठीक है। उसके बाद किस में मिलता है, पुराण में मिलता है, और किस में मिलता है, रामायण में मिलता है, और याद रखिएगा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, कौन सी जनजाति का, कोल जनजाति का, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि ये जो जनजाति है कोल जनजाति, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा देवघर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। ये वो याद रखना काफ़ी है, मतलब आपको ये संथाल परगना में ही ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब कभी कभार हम लोगों को ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो कोल जनजाति है ये आपको छोटानागपुर में ज़्यादा मिलेगा कि संथाल परगना में मिलेगा, तो संथाल परगना में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको सवाल में 4 क्षेत्र का जो नाम देगा ना ऑप्शन में, जैसे एक आपको धनबाद दे दिया, एक गिरिडीह दे दिया, एक रांची दे दिया, ठीक है, और साथ में आपको जामताड़ा दे दिया, और पूछेगा कोल जनजाति कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो किसको टिक करोगे, जामताड़ा टिक करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल रहा है कि संथाल परगना में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी जनजाति, कोल जनजाति, ठीक है। देखो ये जनजाति है, याद रखिएगा कोल जनजाति, ध्यान दीजिएगा, इस प्रजातीय दृष्टि से और भाषाई लक्षण के आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रोटोस्ट्राइड में ही आता है। मतलब प्रजातीय दृष्टि से पूछेगा किस श्रेणी में आता है, तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड में आता है। तो जनरली सभी जनजाति लगभग किस में आ रहा है, प्रोटोस्ट्राइड में, एक दो को छोड़ करके, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, उराव को छोड़ देना, है ना, उराव जो है वो आपका प्योर क्या है, द्रविड़ है, बात समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा कोल जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से क्या आता है, प्रोटोस्ट्राइड आता है, क्या आता है, प्रोटोस्ट्राइड आता है प्रजातीय दृष्टि से, ठीक है। और इसकी जो भाषा है ना, भाषा को भी हम लोग कोल ही बोलते हैं, मतलब हाँ, मतलब देखिए मुंडारी से मिलेगा। देखो जैसे क्या है ना कि भाषा जो है, भाषा इसका कोल ही है, क्या है भाषा, कोल ही है। तो कोल जो भाषा है ये आपका, कोल भाषा जो है ना ऑस्टिक परिवार की भाषा, तो ऑस्टिक परिवार की भाषा में आपका मुंडारी भी आता है, संथाली भी आता है, बात समझ में आ क्या बोल रहे हैं। तो ये लोगों का भाषा का नाम कोल ही है, क्या है भाषा का नाम, कोल ही है, कोल भाषा ही ये लोग बोलता है। लेकिन याद रखिएगा साथ साथ में ये जो भाषा ना, खोरठा, सादरी, नागपुरी, ठीक है, हिंदी, मतलब संपर्क भाषा जितना है हर एक चीज़ का ये लोग प्रयोग कर लेता है। लेकिन आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि कोल जनजाति की भाषा क्या है, तो कोल है, कोल जनजाति की भाषा क्या है, कोल है, है ना। देखो ध्यान देना, आज के डेट में इसकी यदि आपको जनसंख्या पूछा जाएगा, कौन सी जनजाति बता रहे हैं, कोल जनजाति, इसकी यदि जनसंख्या आपको पूछा जाएगा तो 53584 इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या कितना है, 53584, ये 2011 के अनुसार है, ठीक है। 53 कितना बताएं, 584, किस जनजाति की जनसंख्या, कोल जनजाति की जनसंख्या कितना बताएं, 53584, याद रह जाएगा। तो कोल जनजाति की जनसंख्या कितना बताएं, तो 53584, याद रहेगा, कितना बताएं, 53584, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, मतलब कुल जनजाति आबादी का जो परसेंटेज है उसको निकालने का हम लोगों को दरकार नहीं है, वो बहुत कम हो जाएगा, 0.62% हो जाएगा। तो शुरुआत का जो 3-4 को है ना, उसमें हम लोगों का जनजाति का प्रतिशत पूछा जाता है कि कुल जनजाति का कितना प्रतिशत पाया जाता है, इस सब में आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। तो कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं हम लोग, कोल जनजाति। तो कोल जनजाति जो है ना, धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, झारखंड की 32वीं जनजाति है, 2003 में इसको मान्यता मिला जनजाति के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा इसका उल्लेख, हम आपको बताएं कि वेद है ना, रामायण, महाभारत और पुराण में भी मिलता है। प्रजाति दृष्टि से किस में आता है, प्रोटोस्ट्राइड में आता है, किस में आता है, प्रोटोस्ट्राइड में आता है, ठीक है। देखिए इस जनजाति का जो बता रहे ना, जैसे इन लोगों का जो पहनावा होता है, पहनावा कैसे होता है इन लोगों का पहनावा, ठीक है। तो आज के डेट में जो पहना जाता है, कहने का मतलब है वही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो गहना होता है ना, पीतल, तांबा और निकल का बना होता है। मतलब आपको पूछा जाएगा इसका जो ज्वेलरी होता है, गहना जो होता है आभूषण, वो आपका पीतल हो गया, है ना, तांबा हो गया, और याद रखना निकल का बना होता है, पीतल, तांबा
निकल का बना गहना होता है। किस जनजाति में? कुल जनजाति में। कौन सी जनजाति में? कुल जनजाति में। ठीक है, तो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा और भी चाहे मान लीजिए धागा का भी कुछ पहन लेता है, कांच का भी कुछ पहन लेता है, कोड़ी से बना हुआ भी कोई चीज़ पहनता है। कोड़ी जो समुद्र में मिलता है ना, कोड़ी उससे बना हुआ पहनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका किसका गहना पहनता है तो क्या हो जाएगा, पीतल तांबा और निकल हो जाएगा। ठीक है, समाज जो है इन लोगों का आपको पूछा जाएगा समाज में किसका वंश चलता है, तो समाज में याद रखिएगा पिता का वंश चलता है। पिता का वंश मतलब पितृसत्तात्मक। ठीक है, और जब याद रखिएगा पितृसत्तात्मक का बात आता है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, तो पिता का जो संपत्ति होगा वो किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्रियों को नहीं मिलेगा। बस सही महाराज, जीवन यापन करने के लिए मिल सकता है ना, लेकिन याद रखिएगा संपत्ति का हिस्सेदारी कौन रहेगा, पुत्र रहेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन रहेगा, पुत्र रहेगा, है ना। और कोल जनजाति में बोला जाता है कि इसमें जैसे परिवार के बारे में पूछा जाएगा ना, कि जनरली बहुत ऐसा जनजाति है किसी में आपका संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों प्रचलित रहता है, लेकिन जैसे कोल जनजाति में ज़्यादा एकल परिवार प्रचलित है। तो एकल परिवार प्रचलित होने का मतलब क्या होता है, मतलब याद रखिएगा शादी विवाह होगा तो आपको अलग कर दिया जाएगा, बस है हमारा, तो उसके बाद अपना परिवार आप पालन पोषण कीजिए। ठीक है, तो एकल परिवार ज़्यादा ये बोला जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपका ज्वाइंट फैमिली भी बहुत सारा मिले, है ना, लेकिन सर्वे वगैरह क्या होगा तो ज़्यादा मिला होगा। कौन सा परिवार? एकल परिवार। ठीक है, इसमें याद रखिएगा गोत्र 12 को होता है। कोल जनजाति में गोत्र कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो कोल जो बता रहे हैं ना, इसमें गोत्र की संख्या 12। आपको पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन सा गोत्र है, लेकिन याद रखिएगा जैसे वही सब आएगा, हंसदा, मुर्मू, किसकु, सोरेन, मरांडी, बेसरा, मतलब जो संथाल जनजाति है ना उससे मिलता जुलता ही गोत्र इसमें आता है। एक दो ठो डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन गोत्र की संख्या पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, तो 12 को गोत्र हो जाएगा, है ना। देखो इस जनजाति में जब बच्चा जन्म लेता है ना तो कांसे का थाली बजाया जाता है। कुल जनजाति में जब बच्चा जन्म लेता है तो याद रखिएगा कांसा का थाली बजाया जाता है। ठीक है, किसका थाली बजाया जाता है? कांसा का, है ना। और छठे दिन छठिहारी मनाई जाती है, भोज वगैरह होता है ना। और आपका जैसे छठे दिन आपका छठिहारी हो जाएगा। और एक होता है कान छेदी वाला सिस्टम, तो कान छेदी जो प्रोग्राम होता है ये आपका 5 साल में होता है। कितना साल में होता है? 5 साल में होता है। तो कौन सा प्रोग्राम बताएं? कान छेदी। ठीक है, जैसे याद रखिएगा इस जनजाति में विवाह, तो उस विवाह का जब बात आता है तो सम गोत्र विवाह वर्जित होगा कि नहीं? सब जनजाति में वर्जित है, तो इसमें भी सेम गोत्र में शादी होगा क्या? नहीं होगा, है ना। और जनरली याद रखिएगा जैसे कोल जनजाति की विवाह का मुख्य बात ये है ना कि इसमें लड़की वाले लड़के की खोज करते हैं। मतलब बहुत अधिकतर जनजाति में सिस्टम क्या है कि जो विवाह का जो प्रस्ताव होता है ना वो याद रखिएगा लड़का वाला के ओर से रखा जाता है, है ना। इसमें कहा जाता है कि लड़की वाले लड़के की खोज करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पता चल रहा। तो हाँ, लड़की का जो परिवार होगा ना वो लड़का का खोज करेगा, बस सही मारा क्या बोल रहे हैं, लड़की का जो परिवार होगा वो लड़का का खोज करेगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वधु मूल्य देने की परंपरा भी है। और जो वधु मूल्य होता है, ये सवाल पूछता है कि जो वधु मूल्य होता है ना, याद रखिएगा वधु मूल्य जो होता है उसको पोटे कहा जाता है इस जनजाति में। हाँ, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? कोल जनजाति में, है ना। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोटे। विवाह जो होगा तो जनरली याद रखिएगा जो आयोजित विवाह ही होता है। ठीक है, अरेंज मैरिज जो होता है ना, आयोजित विवाह, और विवाह में मांझी का रहना जरूरी है, है ना। विवाह कौन करवाता है? तो मांझी करवाता है। समझ में आ रहा? कौन सी जनजाति पढ़ रहे हो? कोल जनजाति। कौन सी जनजाति? कोल। झारखंड की कितना नंबर जनजाति है? 32वां जनजाति है। ठीक है, दो जाति में जनजाति का हाँ दर्जा मिला था। अच्छा, इन लोगों का कोल जनजाति का यदि परंपरागत पेशा पूछता है क्या, तो लोहा गलाना है। ठीक है, परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना। लेकिन याद रखिएगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लोहा गलाने वाला जो सिस्टम है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मतलब हाँ, चार पांच हाँ, तो लोहा गलाने का काम करता था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा परंपरागत पेशा था, लेकिन अब तो आदमी या तो नौकरी कर रहा है या खेती कर रहा है ना,
लेकिन पहला काम क्या था, लोहा गलाना। धार्मिक जीवन का जब बात आता है तो ये लोग सरना धर्म को मारता है, प्रमुख प्रमुख देवता सिंह बोंगा हो जाएगा, है ना। सरना धर्म का मतलब होता है प्रकृति की पूजा। तो कोल जनजाति किस धर्म को मानता है, सरना धर्म को मानता है, ठीक है। और प्रमुख देवता पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंह बोंगा हो जाएगा। कौन सी जनजाति में, कोल जनजाति में प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, सिंह बोंगा। याद रहेगा प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, सिंह बोंगा। कौन सी जनजाति में, कोल जनजाति में प्रमुख देवता सिंह बोंगा। कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा, ये जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, कौन सी जनजाति, कोल जनजाति, ठीक है। इस जनजाति में जो मुखिया होता है वो मांझी ही होता है, मतलब गांव में।